शेर कह रहा हूँ कि दिलों में लक्ष्य दबाए हुए, आप समझ चुके होंगे कि दिलों में लक्ष्य दबाए हुए वो राधे राधे का रिंगटोन लगाते हैं, और जिनको नमक का रंग नहीं पता कालिस्ता उनसे मेष चलवाते हैं। अगर टीचर थप्पड़ मारे तो स्वाभिमान समझ में आता है कि आज हमारा जो जीवन सफल हो गया, लेकिन वही टीचर अगर गर्दन पकड़ ले तो क्या समझ में आता है, मेरी समझ में नहीं आता। देखो हम कहाँ जा रहे हैं, अब वो सिलेबस कम पढ़ा रहे हैं, और यहाँ कुछ लोग सिलेबस को कम पढ़ा रहे हैं और डिसिप्लिन डिसिप्लिन ज्यादा गा रहे हैं। हे उनकी आदत डरा रहे हैं, हे मेरी फितरत डरा नहीं हूँ, और अभी गलीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, और उनसे कह दो कि वो मुझे मूर्खा समझ रहे हैं, अभी मैं मरा नहीं हूँ। तो मैं लिखना नहीं चाहता और मैं कहना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ लिखा करता था कभी कि सर है आप जो पुराने जमाने के लोग होंगे वो मेरी बात को। लेकिन अगर उसे किसी अधिकारी बनना है, कोई टीचर बनना है, करने की कोशिश नहीं की पानी का स्वाद क्या। हम समझते हैं कि दिल जो है बाई तरफ धड़कता है, कभी बिना हाथ लगाए महसूस करने की कोशिश की नहीं बाकी बाई तरफ धड़कता है, नहीं किया किसी ने, नहीं किया। यही अंतर है हमारे और आप में, क्योंकि जो लोग होते हैं दुनिया भगवान ने 6 रस पे बनाई है, लेकिन जो कवि होते हैं उनको 9 रस दिया गया है, और हम बनारस वाले हमें 1 रस को पहले से मिलता है, इसीलिए हमें बनारसी कहा जाता है। हमें रस बनाने की जरूरत नहीं, 1-2 ही बनाया जाता है, तो 1-2 तो हमारे पास पहले से होता है। व्यंग्य करना मेरा स्वभाव है, मैं वो तो नहीं कह रहा, तो चीजें महसूस करना। वो कहते हैं ना कि जब वो गई थी तब पता चलता था कि दिल साला ना लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, बीच में होता है, कि दर्द वहीं उठ रहा था। तो कविता मैंने यहाँ से लिखी थी कि तेरे इश्क में इस कदर उतर के देखा है कि रातों को जग जग के तेरा खत देखा है, और कभी आसमान देखी है सितारों की, कभी अमावस की रातों का पहर देखा है, और तेरी खतों को सीने से लगाए हुए कभी ढलती हुई रातें देखी हैं, कभी उगता हुआ शहर देखा है। सिविल का नाम है एक्चुअली, क्या कि मैं कविताएं उस दिन से लिखना स्टार्ट किया जब मेरा सुबह इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था, ठीक है। तो ये मेरे पार्टनर सुबह रात को पढ़ा करते थे किताबें लेके, तो मेरी थोड़ी अलग से फितरत थी, मैं ऐसे कभी कभी मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं रातों को वैसे लिखता था। तो पहले देखिए मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात चाहिए इस पर, क्योंकि आपके बीच से लिखा हूँ, मेरा बहुत अनुभव नहीं, 20-21 साल की उम्र में जो महसूस किया बस वही लिख रहा हूँ, क्योंकि महसूस करना बहुत जरूरी होता है। हौसला नया हो तो मंजर पुराना है, मंजर मतलब मंजिल, मैं हौसला नया हो तो मंजर पुराना है, मैं दरिया नया हो तो समंदर पुराना है।